स्ट्राइक पे आयुष, स्टार्ट। सिंगल के साथ एक का दो कर दिया, एक का दो करने में रजवाड़ा माहिर है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स है इनकी। आवाज मत करो, आवाज मत करो। वाइड गेंद, एक्स्ट्रा रन मिलेगा रजवाड़ा को। फिर से वाइड का इशारा अंपायर का, एक बॉल चार रन। फिर से दो में कन्वर्ट करने का यहाँ पे चांस, और यहाँ पे विकेट जा सकती थी आयुष की। बहुत ही अच्छी डाइव और तीसरी रन मिल गई उनको। इसको कहते हैं जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स और तालमेल। आयुष भाई, दोनों आयुष यहाँ पर खेल रहे हैं, एक है आयुष सोनी और दूसरे आयुष ओसवाल। दो बॉल सात रन। फिर से दो की यहाँ पर अपील थी बट एक ही मिला। आयुष सोनी ऑन स्ट्राइक। बहुत ही अच्छा ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर आयुष, पावरफुल ड्राइव। चार गेंदे हो चुकी है पहले ओवर की और ये फिर से अतिरिक्त रन। चार बॉल दस। पांच बॉल ग्यारह। और ये बहुत ही बड़ी विकेट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग अक्षय गदिया की। थोड़ा महंगा साबित हो रहा था ओवर, लेकिन इस विकेट के बाद इस ओवर को महंगा नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ही बड़ी विकेट हासिल हुई अजीत भाई को। एक ओवर की समाप्ति पर कैच जो लिया था वो था अक्षय गदिया, विकेट मिली थी अजीत भाई को। और अभी नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर है अंकित और नए गेंदबाज है यश। दूसरी ओवर की पहली गेंद मिसफील्ड यहाँ पर गिरीश भाई की और उसको दो रन। अंकित भाई को दो रन मतलब उनके लिए एक रन जैसा होता है। बहुत ही अच्छी रनिंग करते हैं अंकित भी। दो बॉल चौदह। ग्राउंड शॉट्स खेल रहे हैं रजवाड़ा, इन्होंने लास्ट मैच में भी ऐसा ही किया था। दो तीन ओवर ग्राउंड्स खेलते हैं वो और फिर लंबे शॉट्स। और ये दिशाहीन गेंदबाजी यश भाई की। बहुत ही अच्छी बैटिंग, उन्हें पता है कि अच्छा स्कोर हो चुका है तो कोई जरूरत नहीं है घाई करने की। और ये पांचवी गेंद हो सकती थी लेकिन ये वाइड है तो चार ही बॉल हुई है सेकेंड ओवर की। 18 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। फिर से सिंगल के साथ और ये डबल। इनका खौफ है, खौफ। अंकित भाई जब क्रीज पर आते हैं तो प्लेयर फील्डर वैसे ही डर जाते हैं, छोटी से छोटी फील्डिंग को भी मिसफील्ड में कन्वर्ट करवा देते हैं। आखिरी गेंद यश भाई की, स्ट्राइक पे बने रहे हैं अंकित सोनी। 20 रन हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। दो ओवर की समाप्ति पर रजवाड़ा रेंजर्स 21 for 1। पहला बॉल डॉट। अक्षय गदिया ओवर डालने आए हैं, पहली बॉल डॉट की है उन्होंने।
और ये फुल टॉस गेंद था, यहाँ पर आउट की अपील, आउट है क्योंकि नीचे के कुशन पे हमारा यहाँ पर आउट दिया जाता है डायरेक्ट मारा तो, और ये आउट कहलाया जाएगा। दो गेंदें डॉट हो चुकी है और एक बड़ी विकेट हासिल हुई है पारस पायरेट्स को। नए बल्लेबाज एक सेकेंड, अभी विकेट किसका गया, विकेट जो गया उसका बैट्समैन का नाम विकी कोठारी, विकी कोठारी को डक पर ले लिया है। बोल्ड बोल्ड, बहुत ही अच्छी बॉलिंग अक्षय गदिया की, अच्छा कमबैक पारस पायरेट्स का इस मैच के अंदर। अगला बैट्समैन है सनी, दो ओवर तीन गेंद हो चुकी है, 21 रन तीन विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी सिंगल, बहुत ही अच्छी फील्डिंग की थी फॉलो अप में अक्षय भाई ने, बट बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए इसलिए एक रन मिलेगा रजवाड़ा रेंजर्स को। आखिरी गेंद, तीन ओवर के समाप्ति पर रजवाड़ा रेंजर्स का स्कोर होता है 24 रन तीन विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी ओवर रही है ये अक्षय गदिया की। चौथी ओवर लेकर आ रहे हैं अक्षय पारस। और ये सिंगल सिंगल करके एक एक बढ़िया स्कोर आगे बढ़ाते हुए 25 रन हो चुके एक बॉल। दोनों भाई आमने सामने और ये जबरदस्त पारसन एक शॉट मार दिया है आयुष ने। पारस के बैट्समैन ने पारस को ठोका। रन आउट हो चुका है यहाँ पर, एक रन केवल मिलेगी, दूसरे रन पर रन आउट हो चुके हैं यहाँ पर। विकेट जो गई है वो है सनी की। फील्डिंग जो रन आउट किसने लिया था, स्ट्राइक पे आयुष है, नॉन स्ट्राइक पे बिलपेश। सिंगल और स्कोर बढ़ता हुआ आगे 33 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अक्षय भाई की। आखिरी गेंद चौथी ओवर की, शॉट मारने की कोशिश और ये सिंगल। ओवर की समाप्ति पर स्कोर 34 रन चार विकेट पारस पायरेट्स की तरफ से। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गिरीश भाई जो बहुत ही अच्छे बॉलर माने जाते हैं पारस पायरेट्स के। दोनों सीनियर प्लेयर्स आमने सामने। ये बिलपेश भाई पावर शॉट्स खेलने के लिए माने जाते हैं, दूसरे एंड पर आयुष भी पावर शॉट्स खेलते हैं और बॉलिंग डालने आए हैं एक्सपीरियंस खुलंदाज। वाइड के साथ शुरुआत, वाइड की और ये शॉट तो बहुत जोर का मार सिंगल। क्या लगता है मोहित कौन कितना स्कोर हो जाएगा? नो बॉल का यहाँ पर अंपायर का कॉल है। वन प्लस वन मिलेगा यहाँ पर, नो बॉल। कैच बढ़िया था यहाँ पर अक्षय गदिया द्वारा और ये डॉट बॉल यहाँ पर, कीपिंग की अपील, स्टंपिंग की अपील और लेग अंपायर का आउट का डिसीजन दिया है यहाँ पर। हर्ष ओसवाल ने ये स्टंपिंग की है। अगले बैट्समैन अखिल, अखिल परमार। और ये फ्लिक मारा और सिंगल। स्ट्राइक पे आयुष, अभी देखना होगा क्या करते हैं आयुष।
शॉट, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर गिरीश अंकल द्वारा, सही है। टू बॉल्स टू गो, स्कोर हुआ है 40, दो बॉल बाकी है अभी भी, चार बॉल 40, दो की मांग थी पर आयुष ने मना किया। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, और ये विकेट, भाई ने भाई का कैच लिया, अक्षय ने कैच, बहुत ही बढ़िया कैच लिया है, अच्छी कोशिश थी आयुष द्वारा। भारत ब्लास्टर्स वर्सेस पीयूष वॉरियर्स के बीच डीजे पूरी नजर आ का टॉस जीता है भारत ब्लास्टर्स ने और उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। ऑन फील्ड अंपायर प्लीज जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए। नीचे हर्ष है, ऊपर अक्षय पारस, स्ट्राइक पे अक्षय पारस और बॉलिंग के लिए आयुष। ओ ये कैच बन सकता था लेकिन थोड़ा सा टप्पा आयुष के आगे गिर गया, इसलिए एक रन मिलेगी अक्षय पारस को और अभी स्ट्राइक पर है हर्ष। अच्छी फील्डिंग कवर में आगम द्वारा, और ये पारस एट सिक्स, हर्ष ने ही मारा है, बहुत ही अच्छी बैटिंग सही जा रहे हैं, एकदम बढ़िया शॉट था ये पारस एनएक्स वाला। सिंगल सिंगल से आगे बढ़ते हुए पारस पायरेट्स आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, और ये अपील थी नॉट आउट हम्पर का इशारा, सिंगल, पांच बॉल 10 रन, स्ट्राइक पक्ष से नजाकत से खेला हुआ ये शॉट और सिंगल। ओवर की समाप्ति पर स्कोर, एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन बना लिए पारस पायरेट्स ने, चार ओवर में और 31 रन बनाने हैं पारस पायरेट्स को मैच जीतने के लिए। आगम अगले बॉलर है, आगम विद कैप, अच्छी बॉलिंग थी यहाँ पर, दो रन चुरा लिए यहाँ पर पायरेट्स ने, बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स अक्षय, और ये शॉट और चौका, पारस एनएक्स चौका, पारस एनएक्स चौका,
और ये विकेट बढ़िया कीपिंग यहाँ पर विल्पेश अंकल द्वारा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया है यहाँ पर आगम ने, चकमा दे दिया था अक्षय पारस को और बहुत ही अच्छी कीपिंग करके विकेट को आउट कर लिया यहाँ पर। और अगले बैट्समैन जो है वो है अक्षय गदिया। गदिया तीन बॉल 17। और बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर आगम, अच्छे बॉलर माने जाते हैं आगम भी। ओ ये क्या बॉल डाला है, कैच था ये, बहुत ही फेदर एज लगी थी यहाँ पर। बहुत ही अच्छी ओवर डाली है आगम ने, ये बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर आगम द्वारा। सिर्फ एक कैच लेते वक्त आयुष के यहाँ से एक फोर गई थी, लेकिन बाकी पूरी ओवर अच्छी डाली थी आगम। ओवर हो चुकी है यहाँ पर, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 19। अगले 18 बॉल में 23 रन बनाने हैं अक्षय की टीम पारस पायरेट्स को। अभी तक दोनों टीमों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। बॉलर विक्की वाइड बॉल का इशारा है और ये पारस एनएक्स 6 फ्लैट एंड फ्यूरियस बाय हर्ष ओसवाल। नजाकत से खेला हुआ ये शॉट और सिंगल, बढ़िया फील्डिंग सुनील अंकल की तरफ से। सिंगल, एक एक सिंगल से स्कोर बढ़ता हुआ पारस पायरेट्स का 28 रन। और ये विकेट विक्की को विकेट मिलता हुआ हर्ष ओसवाल का, जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते थे। 4 बॉल 28 रन स्कोर है पारस पायरेट्स का। और ये यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके अक्षय ओसवाल, स्कोर है 4 बॉल 28 रन, 14 में 14 मांगता है जाने माने बैट्समैन। सिंगल अक्षय, सूझबूझ दिखाते हुए अपनी अक्षय गदिया स्ट्राइक पे। और ये ओवर की समाप्ति पर 31 रन। हाँ तीस रन ओवर की समाप्ति पर 30 रन, 12 में 12 चाहिए। अगले बॉलर है नितिन, बराबर है। सॉरी बाय मिस्टेक, 31 रन हो चुके हैं, 12 में 11 चाहिए। सॉरी फॉर द मिस्टेक।
स्ट्राइक पे है अक्षय और बॉलिंग के लिए आए हैं नितिन। 12 में 11 की जरूरत और ये अच्छी सूझबूझ, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन आ चुके हैं, 33, एक बॉल 33 रन, वन शॉट आ चुके तो 32 रन होते हैं यहाँ पर। दो बॉल 33 रन, एक सेकेंड। ओके स्टार्ट। सिंगल सिंगल से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन और ये छक्के की कोशिश, कैच, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। नो बॉल का इशारा, टोटल 3 रन। आठ में 4 रन की जरूरत, दो रन की जरूरत, 7 बॉल। और अक्षय ने बोला विनिंग शॉट तो मैं ही मारूंगा ओवर की समाप्ति पर। स्कोर 41, बॉलर्स नेम हसमुख अंकल। नो बॉल का इशारा और मैच यही जीत चुके हैं। यहाँ पर पारस पायरेट्स जीत चुके हैं।